बंगाल में चुनाव की आम चुनाव के समय से शुरू हुआ बवाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले जगह जगह हिंसा आगजनी की घटनाएं चल रही थी, तो वहीं सोमवार को यहां एक और घटना हुई जिसने पूरे बंगाल को हिला कर रख दिया है। दरअसल दो जूनियर NRS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दो इंटर्न डॉक्टरों पर हमला किया गया था, जिसके बाद से लगातार जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आइए हम बात करते हैं इसी खास रिपोर्ट पर। बंगाल में हड़ताल की आबोहवा, डॉक्टर्स दे रहे इस्तीफा, अब कौन करेगा दवा? जी हाँ, बंगाल के दो जूनियर डॉक्टर्स पर हुए हमले से नाराज 300 से ज्यादा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं हड़ताल अभी तक जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हमारी मांग है कि हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की बात मानी जाए, नहीं तो हम सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उनकी मांग है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। डॉक्टर्स के इस्तीफे से पूरे बंगाल में सुरक्षा सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं। अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिलना दूभर हो गया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बातचीत के लिए डॉक्टरों को आमंत्रित भी किया, लेकिन हड़ताली डॉक्टर्स ने उनका आमंत्रण ठुकरा दिया। ममता ने आज एक बार फिर से इस मुद्दे को हल करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। अब देखना अहम होगा कि डॉक्टर उनका ये आमंत्रण स्वीकार करेंगे या कल की तरह ही ठुकरा देंगे। जहां एक ओर हड़ताल चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी नेता मुकुल राय ने कहा है कि राज्यपाल को तत्काल मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, इस गतिरोध को दूर करने और शांति बहाल करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल इस मुद्दे पर क्या संज्ञान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।